और आज स्मार्ट जोड़ी में हम शादी के इसी अहम पहलू भरोसे को टेस्ट करने वाले हैं। मैं जल्दी जानना चाहता हूँ कि हर जोड़ी के लिए भरोसा कितना इम्पोर्टेंट है। हिमालय सर, आई थिंक एक रिश्ते की नींव भरोसा होती है। हाँ, तो यदि भरोसा आपस में नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो आपस के अंदर, तो रिश्ता बहुत दिन चल नहीं सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये है। लेकिन गौरव, आप लोग के बीच में भरोसा बिल्कुल इंटैक्ट है? कभी ऐसा हुआ कि वो भरोसा थोड़ा हिला हो? भरोसा इसका हिला था पहले, शादी के पहले इसका हिल गया था, और यहाँ तक बात आ गई थी कि ये लड़का तो बर्बाद है, इससे शादी नहीं करनी। मैं इनसे मिली थी ना, तो मैं थी जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, और मैं बिल्कुल थोड़े डिफरेंट टाइप की फैमिली से आती। हाँ। तो जब इन्होंने पार्टी में बुलाया तो वहाँ पर देखा ये तो लड़के के साथ चिपक चिपक के नाच रहे हैं। चिपक के नहीं नाच रहा था। तो मेरे लिए तो वो ऐसा एनवायरनमेंट था, अरे ये तो बड़ा बिगड़ा हुआ लड़का है यार। हाँ। मतलब कि ये तो मेरे टाइप का नहीं है बिल्कुल। तो वहां से फिर इनके रूम में गई, वहां से वॉशरूम यूज करने गई, तो इनके बेड की साइड की टेबल पे ना एक क्लचर था। हाँ। अब वो देख के तो मेरा हो गया कि ये तो भाई ये तो बर्बाद है, मैं तो पक्का नहीं जा रही हूँ, मैं तो पक्का कट्टा हो गया। और ये कि ये नई थी कंपनी में और मैं कप्तान बन चुका था, मेरे को 6-7 साल हो चुके थे, और आप जब कप्तान बनते हो ना, सीनियर बनते हो, तो आपको थोड़ा भाव मिलना शुरू होता है। तो मैंने कहा ये तो थोड़ा सा ऐसा टाइम है कि अब जो कैबिन क्रू है थोड़ा भाव देना शुरू किया है। तो मेरे घर में मैंने पार्टी रखी थी, हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी थी, तो अभी किसी ने पार्टी क्यों किसी का छूट गया होगा। तो थोड़ा सा मतलब ये भरोसे का प्रॉब्लम आया था। फिर मैं वापस आया, मैं रेस्टलेस उस समय, मेरे को ये था कि हाँ यार यही वो बंदी है जिसको मैं सही में पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैंने उसको कॉल उठाया, मैंने सब सच बता दिया, मतलब बचपन से लेके आज तक मेरी लाइफ में जो भी था, मैंने कहा तू जो जज करना कर ले, कैसा लड़का हूँ मैं, जैसा हूँ, जो गलतियाँ होगी भाई सही तो नहीं कर सकता, बट ऐसा ही हूँ, लेकिन आगे से तेरे साथ हूँ और पूरी सच्चाई और मन से तेरे साथ रहूंगा। क्या बात है यार। भरोसा वापस हो गया। लेकिन अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिनके भरोसे की अगर मैं टाइमिंग देखूं या इयर्स ऑफ भरोसा देखूं, तो आई थिंक ही इज बीटिंग एवरीबडी हॉलो। श्रीकांत सर, विद्या मैम, 39 ईयर्स। मैम, कभी आपका भरोसा हिला? जब शादी हुई थी तो ये तो जब सेलिब्रिटी स्टेटस में के अंदर आ रहे थे, इतने फैन मेल्स आते थे, मेल तो नहीं था उस वक्त, सो लेटर्स आते थे, जब एक एक करके पढ़ती थी रोना आता था मेरे को। क्या करो, सजनी आए नेपाल है। बहुत इनसिक्योर फील करती थी। फिर बाद में एक रिलेशनशिप का बेसिक रूल ही होता है ट्रस्ट। या एब्सोल्यूट। विद इयर्स क्या होता है शादी में, वो बढ़ता जाता है। हाँ। कि यस आई एम एवरीथिंग फॉर हिम, एंड ही इज एवरीथिंग। ये होता है तभी तो 39 ईयर्स यार, 39। सर, आपने कभी ऐसा हुआ कि ये भरोसा आपको स्पेशली मेंटेन रखना पड़ा, या कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि भरोसे का डाउट आया? ये कि टाइम मेरे को प्रॉब्लम हो गया भरोसा में। हाँ। वो स्मार्ट जोड़ी प्रोग्राम में। अच्छा। ये क्या हो, ये पीछे अर्जुन है, आगे आप है। स्मार्ट जोड़ी प्रोग्राम आने के बाद थोड़ा भरोसा डर रहा है मेरे को। बट फिर भी कमिंग ऑन सीरियस नोट, ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। क्या बात है, एब्सोल्युटली। एक बार जोरदार ताली हमारी जोड़ी के लिए। ऑलराइट, देखिए भाई, अब फिनाले बस कुछ ही दूर है, और मैं आपको बताऊं कि एलिमिनेशन जो है आज नहीं होगा। मुबारक हो, क्या बात है। एक सरप्राइज और है, वो सरप्राइज ये है कि आज से 2 हफ्ते तक जो भी जोड़ी बनेगी बेस्ट जोड़ी ऑफ द वीक, उन्हें मिलेगा मौका 2 हफ्ते के बाद होने वाले एलिमिनेशन से खुद को बचाने का। इसका मतलब यस, क्या बात है। Well, इसका मतलब फिनाले में पहुंचने के उनके चांसेस होंगे सबसे ज्यादा। सो जोड़ीज, विश यू ऑल द लक। थैंक यू।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दो एपिसोड्स जो हैं उसमें अपनी जीत पक्की करनी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जोड़ी कौन किसके साथ खेलेगा, कंपीट करेगा, ये डिसाइड करेंगे हमारे क्यू कार्ड। क्यू कार्ड पे लिखे हैं नंबर्स 1, 2, 3। जिन जोड़ी इसका नंबर करेगा मैच वो खेलेंगी एक दूसरे के ऑपोजिट। ऑलराइट, बारी है पहले जोड़ी टेस्ट की। इस जोड़ी टेस्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हिमालय सर भाग्यश्री मैम और बलराज और दीप्ति को। आइए, ऑल द बेस्ट। क्या बात है बलराज, यार तेरे से अगर बात करूं, मेरे को बताओ शो पे आने के बाद तुम लोगों की जो टाइमिंग है या तुम लोगों का एक दूसरे पे भरोसा करने का जो है वो थोड़ा बड़ा है, कोई इम्प्रूवमेंट और दिखती है उसमें? डेफिनेटली बड़ा है उसमें, हाँ। मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा कि एक नए तरीके का भरोसा बन गया। हाँ, क्या बात, बहुत। जिस चीज पे इस पे भरोसा था वो है, हाँ। जिस पे नहीं था वो बन गया। हाँ। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि हम जितने भी लोग स्पेशली हम जो होस्टिंग करते हैं, स्टैंड अप करते हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, हमको पता होता है कि यहाँ खड़े होके बोलना कितना मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका पहला टाइम है ये और मुझे इसको पकड़ के साथ में कैरी करना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली इसने उल्टा कर दिया, इसने उल्टा कर दिया। ये सच बात है, इसने अपने आप को इतने अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया और थैंक्स टू आप सब लोग भी जिन्होंने एक एक चीज पे। और सबसे मजेदार बात पता क्या है मनीष, मेरे को हर गेम के बाद बोलती बेबी तुम पैनिक मत किया करो, मैं कर लूंगी। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी यहाँ दिख रही है, अब आगे दिखेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, स्पेशली इस गेम में, क्योंकि अब जो गेम खेलने जा रहे हैं इसका नाम है दांव लगा जिया। बीवियों के सामने एक बजर रखा होगा और हम उनसे पूछेंगे एक एक सवाल और बीवियों को अपने पति पे दांव लगाना है कि उन्हें इस सवाल का जवाब आता होगा या नहीं, और बजर दबाना है। और यहाँ पतियों ने बीवियों का भरोसा तोड़ा और उन्हें मिलेगी एक पनिशमेंट, और बीवियों के भरोसे पे खरा उतरने पे पति को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। जिस जोड़ी के होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स वो जाएगी फाइनल जोड़ी टेस्ट में। वैसे देखिए बीवियों, भरोसा करना अच्छी बात है लेकिन पनिशमेंट मिलना अच्छा नहीं होता, तो जरा सोच समझ के प्लीज आप लोग बजर दबाइएगा। ऑलराइट, चलिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, ऑल द बेस्ट, आइए। All the best, guys. All the best. All right. Wish you all the luck. Ready, steady, go. Let's play. All right. आप लोगों का पहला सवाल, पांच पहनने वाली चीजें जो जोड़ी में मिलती हैं। हिमालय सर, चप्पल, पायल, चूड़ी, इयररिंग्स, हेयर क्लिप्स, लेंसेज। ओके, चप्पल, पायल, चूड़ी, हेयर क्लिप, दो चोटी में बाल में दो लगा के, एंड लेंसेज। लेंसेज, इयररिंग्स बोला मैंने। आपने इयररिंग्स भी बोला? यस, इयररिंग्स भी बोला। वेल, आपको बता दूं सर, आपने जो हेयर क्लिप बोला है सर, दो आती है सर, सब लोग दो ही लगाते हैं। देखिए आपने कहा हेयर क्लिप, हेयर क्लिप जो है वो गलत माना जा रहा है, और चूड़ी जो है वो भी गलत है, बिकॉज चूड़ियां जो हैं वो ज्यादा भी आती हैं कम भी आती हैं, इस हिसाब से वो सिर्फ जोड़ी में नहीं आती। तो वेरी सॉरी, ये हुआ गलत, और गलत हुआ तो तैयार हो जाइए अपना मुंह सफेद कराने के लिए। ये अच्छे से आपकी ये तैयारी, रेडी? भाग्यश्री मैम से करवाओ। 3, 2, 1। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कम से कम मुंह काला तो नहीं किया। चलिए रेडी, अगला सवाल, पांच फिल्में जिनके टाइटल में प्यार शब्द आता है।
दीप्ति प्यार किया तो डरना क्या, मैंने प्यार किया प्यार के दीवाने। अरे यार तो सिंपल था बलराज भाई, प्यार तो होना ही था, प्यार का पंचनामा, प्यार तो होना ही था। मेरा मन कर रहा है मैं इसके प्लेट में नहीं इसके डायरेक्ट मारूं। प्यार वाली मूवीज कौन छोड़ता है भाई, मेरा प्यार ने विश्वास उठा लिया दिल दिल प्यार प्यार। कोई बात नहीं, प्यार किया तो डरना। मैं चाहूंगा क्रीम से सजा देंगे, ज्यादा डाल रहा है इसके। आइए बेबी उससे सीख ले कैसे है, ज्यादा भावुक मत हो जाना। मैंने प्यार क्यों किया, मुंह आगे रख। ये लगा भाई ठीक, प्यार किया तो डरना क्या। अगला सवाल, पांच ऐसे गाने जिन गानों में दिल शब्द आता है। भाग्यश्री मैम, हिमालय सर बताइए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता okay. है, दिल चाहता है okay. दिल दीवाना, दिल तो पत्थर है। मैं चाहता हूँ, दिल तो पागल है सर, पत्थर नहीं सर। मैं चाहता हूँ आप मुझे दिल तो पत्थर है गाना गा के सुनाइए। मनीष ये गाना डेडिकेटेड है भाग्यश्री मैम को, जब भी तीसरा बेबी मांगता हूँ मना कर देती है, दिल तो पत्थर है। अब आया सर इफेक्ट, कुंग फू पांडा। ऑल राइट चलिए, पत्नियों से फिलहाल सिर्फ पनिशमेंट मिल रही है। ऑल राइट अब इसमें सवाल ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल है, पांच चीजें जो औरतें अपने चेहरे पे लगाती हैं। हिमालय सर, लिपस्टिक, फाउंडेशन, बिंदी, क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम। अरे ये क्या कर दिया आपने, ये क्या होता है, आई एम वेरी सॉरी, ये क्रीम के डायवर्जन है सारे। एक सेकंड आपने कहा लगाते हैं, सारे लड़के ऑर्डर करते हैं, गुस्सा हो गए, रोज तो लगाते हैं नाइट क्रीम यार, नाइट क्रीम लगाते हैं। ऑल राइट मैम, आप लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं, फाउंडेशन, बिंदी, नाइट क्रीम और आई क्रीम अलग लगाती हैं आप, अलग से लगती है मतलब? अलग से लगती है। मैं भी ये बात मानना चाहूंगा क्योंकि मेरी बीवी खुद बहुत क्रीमें लगाती हैं, लिप बाम, फेस क्रीम, नाइट क्रीम, ऐसी तैसी इतनी सारी क्रीमें होती हैं लड़कियों के पास। वेल ये भी कहना चाहूंगा ये बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब। थैंक यू। वेरी गुड दीदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई लव यू पांच भाषाओं में बोलिए। बलराज, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तेनु प्यार करदा वा, मले तुम्हारे भालो भाषो, एंड हमको तुमसे हो गया प्यार। क्यों बोला आई लव यू भाई साहब, लगाओ हमेशा क्वेश्चन स्क्रीन लगाओ, वापस स्क्रीन लगाओ। एक सेकंड, सब ठीक है सर, ये मेरी अनपढ़ता का मजाक उड़ाया जा रहा है। पांच भाषाएं हमें सर एक ही भाषा आती मातृभाषा, उसी को तोड़ फोड़ के मजाक उड़ा रहा है। बजर कौन दबा रहा है, तुम्हारी बीवी तुम्हारा मजाक उड़ा रही है और कोई नहीं। बजर हमने नहीं दबाया है, बजर तुम्हारी बीवी ने दबाया है। बेबी रात को मेरे को आपने 50 भाषा में आई लव यू बोला। कैसे? वो जिब्रिश थी हर तरीके की। दो पैक के बाद हमें 250 भाषा वैसे आ जाती है। चलो अंदर। मेरे को बेस्ट जो लगा आई लव यू वगैरह भी ठीक है, ये मले तुम्हारे के भालो भाषी को हमी तुम्हारे के भालो भाषी क्या था वो, क्या था? तुमने मले तुम्हारे के भालो भाषी बोला, आई एम सॉरी, आई एम मैरिड टू अ बंगाली एंड पूरी बंगाली कम्युनिटी की तरफ से मैं खुद पर्सनली इसके मुंह पे मारना चाहूंगा। एक सेकंड, मेरे मुंह पे मारो,
कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 5 बता दो, कल को कहीं काम आ जाएंगे यार। अमी तुम्हा के बालोबाशी, TMO, टेकी एरो, मुझे तुमसे प्यार है, मी तुझ्यावर प्यार करते प्रेम, मी तुझ्याशी प्रेम, मी तुझ्याशी प्रेम करतो। विक्की, इसी के साथ तुमने प्रूफ कर दिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ कहाँ रह चुकी है पहले, कि तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। यू ऑल द लक। बलराज, तू हमारा दोस्त है, ये हमारी तरफ से आपको प्यार, तुम्हारा दोस्त है, हमारा भाई है, और मैं यही कहना चाहूंगा, आमी तुमा के भालो वाशी। भालो इन वाशी। कितना क्वीट लग रहा है तू यार। इसमें चीनी डाल दो यार। ओके बेबी, टेंशन मत ले, बजर दबा तू, मैं रेडी। हाँ लग गया पता। अगला सवाल, 5 चीजें जो औरतें ब्यूटी पार्लर में जाके कराती हैं। मैनीक्योर, मैनीक्योर, फेशियल, हेयर स्पा, वैक्सिंग। मेरा भी तो देखो शॉट। आइए प्लीज, मेरे को आता था। सांता क्लॉज तो ये लग रहे हैं यार। भाभी जी तुम बजर तो दबाओ। दीप्ति तू उधर ही मुंह रखियो। आखिरी 3 सवाल बचे हैं, जरा सोच समझ के। अगला सवाल है, 5 हरी सब्जियों के नाम बताइए। पालक माले सर, पालक, गोभी, चंदलिया, लाल मठ, तोरू, बैंगन। बैंगन हरी सब्जी। एक सेकेंड, हमने वो बैंगन जो छोटा सा लटका रहता है, ग्रीन वेजिटेबल, गोभी भूल गया, एक ग्रीन वेजिटेबल के अंदर बैंगन। बैंगन इज पर्पल तो क्या हो गया, इट इज क्वालिफाइड एज ग्रीन वेजिटेबल। बाकी सी साइज का सवाल नहीं है सर, इट इज क्वालिफाइड एज ग्रीन वेजिटेबल। बाकी सी रेड वेजिटेबल और पर्पल वेजिटेबल नहीं होता है, ग्रीन वेजिटेबल ही होते हैं। हेलो, कोई पर्पल और रेड वेजिटेबल नहीं होता है। सर ने बैंगन देखा, वो कच्चा था, हरे रंग का था। लेकिन ग्रीन वेजिटेबल का कलर सर मतलब था कि ग्रीन वेजिटेबल का डेफिनेशन से मतलब था यार। सर मतलब मुंह पे मारने से इनको। हाँ यार, इनको कोई मतलब नहीं है। मनीष को खड़ा करो। चलो भागी श्री मैम। नहीं नहीं, ये सही है यार, ये नहीं सर, सर ये मेरा पॉइंट है, ये ओवरलैप हो रहा है सर, वापस चलाएंगे। आइए मैम। पालक, 3, 2 and Yes. Yeah. ये क्या है? ये तो मान लेंगे चीटिंग है। गलत 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 पूरा ये लो। अगला सवाल, 5 फिल्में जिनके टाइटल में शादी शब्द आता है। दीप्ति, बलराज बताएं। अरे शादी करके फंस गया। हाँ शादी करके फंस गया। बदर दबा के फंस गया। बेसिकली कहना चाहता है शादी करके फंस गया। हद कर दी बलराज यार, वो इतना इमोशनल हो गया बोल के, शादी करके फंस गया, बोल ही नहीं पाया। जोर का झटका हाय जोरों से शादी बन गई उम्र कैद की। ये आंसर नहीं दिया, मन की बात बोली है सर, ये मन की बात बोली, शादी करके फंस गया, मन के शादी करके फंस गया, इसके मन की बात है। तुम भी करो दीप्ति एक बार, वापस वापस करूंगी मैं, वापस करो एक बार, शादी करके फंस गया ले। चल दीप्ति कम ऑन, तोड़ दो इस बारी। मैं कम ऑन, यू कम ऑन।
आखिरी सवाल बलराज। हाँ। तुम्हारा आखिरी मौका है दीप्ति, ध्यान रखें। दीप्ति बाजर। अगला सवाल, पांच ऐसी फिल्मों के नाम बताइए जिनके टाइटल में उनके लीड कैरेक्टर्स का नाम आता है। बलराज। ओ। यार वो जो बंदा शादी और प्यार का नहीं बता पाया वो ये कहां से बता पाया? अरे यार सवाल का जवाब दे रहा बीच में बोल रहे हो तुम लोग। ओके एक सेकेंड, मैं चार सेकेंड और देता हूँ, बोल। फोर। ऐसे थोड़ी दोबारा से हम बैठे चौकड़ी मार के, ला मूंगफली उंगफली ला, बताओ भाई। सर ये पता क्या है, अभी मैंने जवाब देने शुरू किया मनीष ये लेके आ गया मेरे पास ऐसे। कितना रोएगा रे, कितना रोएगा। बचपन में मेरी क्लास में ऐसे बहुत रोतलू होते थे। मैडम मैं तो जवाब दे रहा था, आपने पेपर छीन लिया। एग्जैक्टली होता था। लेकिन लेकिन मैडम ऐसे बच्चे को पता क्या करती थी? आ जाओ बलराज, आइए बाहर आइए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हैं पीपल। मेरा बाबू आ जा मेरा बाबू। बली कैरेक्टर का नाम है मेरा बाबू, आ जा। तो आप तो सुन ले, सही जवाब था रामलीला, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, बंटी और बबली, तन्नू वेड्स मन्नू, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अब ये बताना पड़ेगा ये राउंड फाइनली बहुत बड़े मार्जिन के साथ पूरे एक पॉइंट के साथ जीते हैं भाग्यश्री मैम और हमारे मुबारक हो भाग्यश्री मैम एंड हिमालय सर, आप लोग सीधा जाते हैं फाइनल टेस्ट में, और अगर वहां पे आप जीते तो दो हफ्ते के बाद आपको मौका मिल सकता है अपने आप को एलिमिनेशन से बचाने का। बलराज अब आज आप जाते हैं बॉटम में, लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू यू हिमालय सर, भाग्यश्री मैम जोरदार तालियां एंड थैंक यू, प्लीज आइए टेक अ सीट, थैंक यू। क्या बात है यार, देखिए आज बात हो रही है भरोसे की, और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कभी भी 33 सालों में ये जो वर्ड भरोसा है इस पे क्वेश्चन मार्क लगा? मनीष ये बात अभी तो जग जाहिर हो गई कि मैंने इनके लिए एक घर छोड़ा है। बिल्कुल, अगर भरोसा ना होता तो वो कभी कर सकती मैं? यार ये बात तो है, मतलब मैं सीरियसली एब्सोल्युटली मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब करीबन एक साल के लिए हम लोगों ने ब्रेक लिया था। okay. और वो इस वजह से क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि आप दोनों ने अभी तक दुनिया कहाँ देखी है, और तुम अगर समझ सकती हो कि ये तुम्हारे लिए सही है पर ये जरूरी नहीं है कि क्या तुम इनके लिए सही हो, तो अच्छा, इनको भी मौका दिया जाए कि भाई दुनिया देखे, दूसरी लड़कियां। इसलिए एक साल तक हम एक दूसरे से ना मिले, ना बात भी की, ये अमेरिका चले गए, पर मुझे ये पूरा भरोसा था कि आखिरकार प्यार तो सच्चा ही रहेगा और ये आ जाएंगे वापस। तो आप सच बताएं, आप अमेरिका गए, ये यहाँ पर थी। भाग्यश्री मैम आपके कबूतर के तो पसीने छूट गए होंगे, चिड़िया यहाँ से वहां लेके जाता है। नहीं नहीं जैसे मैंने कहा हम एक साल तक ना मिले, ना बात की, ना कुछ भी नहीं, टोटल टेस्ट हुआ कंप्लीट कि क्या ये प्यार जो है वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन है या सही मायने का प्यार। बिल्कुल, और ये हम लोगों ने जानते हुए किया। यहाँ पर बहुत जबरदस्त एग्जांपल है ये भरोसे का कि एक साल के लिए छोड़ देना, जाओ फ्री, और उसके बाद अगर हुए तो वापस एक साथ हो पाएंगे। क्या बात है, इस बात पे तो एक बार बनता है। तू है तो मेरी सांसें चल, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। लेकिन मैम ये जो सोशल मीडिया आ गया, इतनी सारी चैटिंग होती है, इतने सारे मैसेज आते हैं, और आप इतनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी कमाल एक्ट्रेस हैं, तो ये सर कभी हमारे समय में सोशल मीडिया तो था ही नहीं ना। सोशल मीडिया बाद में आया। हाँ अच्छा, मैं ज्यादा इसमें एक्टिव नहीं हूँ। okay. भाग्यश्री स्टार्टिंग से बहुत एक्टिव थी। हाँ. ट्विटर पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो दो चार ऐसे लड़के थे
जो रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल माई डार्लिंग आई लव यू ये वो रोज शुरू हो जाते थे। शायरी भेज रहा रोमांटिक कौन है भाई साहब ये? तो बाकी जी बोली मैं जानती नहीं उसको। मैंने बोला पर ये तुम जानती नहीं हो, तुमको क्यों मैसेजेस भेज रहा है ये रोज सुबह सुबह उठ यार? क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अरे हाँ डाली पब्लिक प्लेटफॉर्म है पर तुम तो पब्लिक नहीं हो, तुम तो मेरी हो। क्या बात कही है। बात ये है कि भाई कोई तीसरा बंदा अगर आपके बारे में लिखे या कुछ बोले उसका कंट्रोल तो आप पर नहीं है ना। करेक्ट। आपका लेन देन या एक जो रिश्ता है वो एक दूसरे से है। जो तीसरा आदमी कोई भी कुछ भी कहे, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता। ये बात तो देन शी सैट डाउन शी एक्सप्लेन टू मी, उसने मुझे बताया ये सब ऐसा होता है। तो मैंने बोला ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप पे भरोसा नहीं, मुझे उन हरामखोरों पे भरोसा नहीं। डायरेक्ट नो उनको जानते हैं जी जी मैं आपके साथ हूं इस बात पे। यस डायरेक्ट। एक बात मैं जानना चाहता हूं, हिमालय सर थोड़े पोजेसिव काइंड से? बिल्कुल हूं। कभी ऐसा होता है कि जब पार्टनर थोड़ा पोजेसिव होता है कई बार थोड़ी घुटन लगती है, कई बार थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा कभी फील किया आपने? देखो मनीष पहले क्या हुआ ना, हम दोनों की शादी हुई उस वक्त जहां पर हम बहुत यंग थे, ये पोजेसिव थे और उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये पोजेसिव है, सारी दुनिया से मुझे दूर कहीं लेके जाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। इसको तो, देखो कौन पोजेसिव नहीं होगा। यदि मैं पोजेसिव नहीं होता तो मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं होता। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक रिश्ते में उतनी बंदिश भी नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसे पोजेसिवनेस नहीं, ये थोड़ा केयरिंग भी, कंसर्न भी था कि भाई तकलीफ नहीं हो जाए। यही चीज जब शादी के कई साल गुजर गए, बच्चे हो गए, तब थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा कि भाई हर वक्त आप नहीं पूछ सकते ना कि इतना समय क्यों लग रहा है। पियर जाते हैं तो थोड़ा और वक्त गुजारने का मन करता है, तो टाइम की बंदिश तो नहीं होनी चाहिए। देखा इनको तो कभी टाइम की बंदिश नहीं थी, कभी दोस्तों की बंदिश नहीं थी। तो फिर ऑफ कोर्स बात करने से बात बनती है। क्या बात है, पहले तो जोरदार तालियां। थैंक यू। इनकी ऐसी कौन सी आदत है जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? ये जो साइलेंट मोड पे चली जाती है ना, क्या होता है कि भाग्यश्री और मेरा आर्ग्यूमेंट हो, भाग्यश्री साइलेंट मोड में चली जाएगी एंड शी कैन कंटिन्यू फॉर डेज ऑन साइलेंट मोड। सर डेज ऑन साइलेंट मोड, आदमी अंदर मर गया, पिस गया, तबाह हो गया यार। है ना, मैं ये सोचती हूँ कि किसी के बारे में खराब क्यों बोलने का, सामने वाले को एहसास होने दो अपने आप बंदा सॉरी बोलने का। अच्छा ऐसी भी बात खत्म नहीं होती, जब तक पूरी अच्छी तरीके से सॉरी नहीं बोलूंगा फिर मैं बोलूंगा ना कि यार बाकी चीज छोड़ दो ना इस बात को। नहीं नहीं कौन सी बात को छोड़ दो। तो मतलब जो गलती की है उसको वापस रिवाइज करवाया जाता है। रिवाइज करवाया जाता है कि ये गलती मेरे से हुई है, सबको अच्छी तरीके से। अच्छा बाकी इनकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है पर इन्होंने अभी तक नहीं बदली? इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी भाई। एक्चुअली हम लोग कॉलेज में थे तो एक लड़की थी जो इनको बहुत पसंद करती थी, उसने अपने मन से इनको पति मान चुकी थी। ऐसी लड़कियां हमें क्यों नहीं मिलती भाई? मनी मन पति बना के घूम रही है। इनके पास ना बर्थडे कार्ड्स भी आते थे ना, तो डियर हबी लव योर वाइफ। तो एक बार हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, पूरा ग्रुप था और वो लड़की आई और आके बैठ गई बगल में। तो मैंने कहा आपने बैठने क्यों दिया? नहीं नहीं पुअर थिंग शी इज यू नो फाइन, शी जस्ट वांट्स टू टॉक टू मी। देन शी गेट्स अप एंड शी सेज अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, हम शाम को मिलेंगे ना। मैंने कहा शाम को मिलेंगे? ये क्या हुआ? नहीं नहीं वो चाहती है। मैंने हाँ थोड़ी बोला है, तो मैंने कहा ना भी तो नहीं बोला। सर पर मिले थे कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिला। मैं भाग्यश्री ने मुझे इतनी अच्छी वार्निंग दी ना, मुझे इतनी जबरदस्त वार्निंग दी ना।
लेकिन सर आके बैठने भी दिया, हिमालय सर आपको मेरा सलूट है। आप पोजेसिवनेस की बात कर रहे थे तो भाग्यश्री भी बहुत पोजेसिव है। अच्छा, कोई भी पार्टी हो, कोई शादी हो, कितनी भी बड़ी हो, मतलब 500 जन की पार्टी होगी, भाग्यश्री की नजर घूम फिर के मेरे पर होगी। होता है लड़कियों को ना, होता है। पकड़ लेते क्या, उनकी थर्ड सेंस है यार, सिक्स्थ सेंस है। वीडियो बनाया ना, वीडियो चल रहा होगा, पॉज करेगी, बैक जाना, वो मेरे पीछे खड़ी होगी, शी लाइक्स यू। कैसे पता शी लाइक्स यू? यार गौरव का तो पता भी चलता है किसे लाइन में रखे, क्योंकि जहां लड़की आई जहां गौरव टाइट हो गया पता चल गया, जहां नॉर्मल निकल गया ठीक है, जहां मैं ड्रिंक लेके किसी से बात कर रहा हूं, भाग्यश्री आएगी पीछे से, हो गया चलें अब, लेट्स गो। बस उतना ही कहना है, मैं घर जा रही हूं, आप चल रहे हैं? बस जहां आप चल रहे हैं तो मैं आ रहा हूं। चलिए क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां भाग्यश्री भाई, हिमालय सर के, थैंक यू सो मच।